ऑल द पॉटर हेड्स वेलकम टू दिस चैनल। आज हम आपके लिए हिंदी में बटर बियर की रेसिपी लेके आए हैं। मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए इंडियन स्टाइल में इंडियन इंग्रेडिएंट्स यूज करते हुए बटर बियर बनाऊं, तो ये आप जरूर रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको। आइए चेकआउट करते हैं इसकी रेसिपी। कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो दोस्तों ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें इस रेसिपी में काम आएंगे। बियर मग ले लिया, ये आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि बटर बियर है, तो हमें बटर स्कॉच बढ़िया वाले लेना है। ये बात याद रखिएगा, अगर आप जितने अच्छे इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे अच्छी क्वालिटी के, उतनी ही आपकी अच्छी टेस्ट वाली बटर बियर बनेगी। तो हमने यहाँ पे टाइगर का ये मंगवाया बटर स्कॉच सिरप। यहाँ पे हमारे पास ये बर्बन वनीला है, तो आप ये भी अच्छी क्वालिटी की लीजिए तो बेटर रहेगा। अब इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्रीम सोडा, जो कि इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर क्रीम सोडा की अवेलेबिलिटी है तो आप स्टोर से जाकर ले सकते हो, नहीं तो मैंने यहाँ पे मंगाई है ये जीरो शुगर वाली कोको कोला। द आइडिया इज टू मेक इट क्रीमी, क्रीम सोडा बनाना है हमको। तो ये कार्बोनेटेड वाटर आप यहाँ पे देख सकते हो, जीरो कैलोरीज हम ये यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमने अनसॉल्टेड बटर लेना है दोस्तों। ये अमूल का मैंने यूज़ करा है सफ़ेद मक्खन। अगर आप सॉल्टी पसंद करते हो थोड़ा बहुत, तो आप नॉर्मल मक्खन भी यूज़ कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव टू हैव दिस पाइपिंग बैग, जो कि व्हिप क्रीम है इसके अंदर। व्हिप क्रीम आप कोई भी ले सकते हो। व्हिप क्रीम के अंदर, हाँ, अगर आप दो लोगों के लिए बना रहे हो तो आपको एक ये वाला चम्मच इसके अंदर वनीला का मिक्स करना है और उसको आप पाइपिंग बैग में ऐसे डाल दीजिए। ये ऊपर उस फोम के काम आएगी, जो ऊपर हेड होता है बियर का उसके काम आएगी। मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रोसेस क्रीम सोडा बनाने का। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया, इसको ओपन कर लेते हैं। अब इस पूरे कैन को हम इसमें पलट लेंगे, जितना भी इसमें आ पाए हम थोड़ा छोड़ देंगे। रीज़न ये है कि हमको ऊपर उसके फोम बनानी है, तो हमने थोड़ा सा छोड़ दिया, थोड़ा सा इसमें रह गया। सबसे पहले तो हमें ये बटर स्कॉच ही डालना है। आधा स्पून हम इसका डालते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कर लीजिएगा। द आइडिया इज हमको इस क्रीम सोडा को बनाना है और हमारे पास क्रीम सोडा की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए हमको यहाँ पे मिक्स एंड मैच करके ही अपनी रेसिपी बनानी पड़ेगी। वनीला लेंगे, यहाँ पे अपने वनीला लिया और हमने वनीला को भी इसमें मिक्स कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। क्लियरली आपको बताता हूँ कि इसके अंदर वो बटर स्कॉच वाला फ्लेवर आने लग गया है, तो आई थिंक हम इसको इतना ही छोड़ेंगे। तो अब हम व्हिप क्रीम डालने जा रहे हैं दोस्तों, उस पर स्वर्ल्स बनाने इस तरह से। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। आपकी बटर बियर बन गई है इंडियन स्टाइल में।